पेश है नया फार्म पैक 45 अल्ट्रा मैक्स, 4x4 का दम, हर काम में नंबर वन। इसका मतलब इस ट्रैक्टर में आगे के टायर में भी मिले पावर। इस ट्रैक्टर में स्टाइलिंग की अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं सिंगल पीस बोनेट के साथ, साथ ही साथ इसके अंदर फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग आगे से बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। दोस्तों इसके अंदर आपको जो इंजन प्राप्त होता है AVL टेक्नोलॉजी का 3 सिलेंडर वाला इंजन है, 47 HP का दमदार इंजन। इसमें आपको ज्यादा ताकत प्रदान होता है, साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस भी सबसे कम। इस इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम में हमने रिकवरी बोतल दिया, जो कारो वाला कूलिंग सिस्टम जैसा चलेगा। बार बार आपको पानी डालना या कूलेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही मेंटेन कर सकते हो। साथ में इसमें हमने जो एयर फिल्टर दिया हुआ है, ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर है जिसमें स्पेशल सेंसर भी उपलब्ध है, तो ड्राइवर को बार बार फिल्टर खोलने की नौबत नहीं आएगी। वहाँ सेंसर देखेगा, अगर वहाँ लाल बत्ती जल रही है तभी जाके इसको साफ करेगा, नहीं तो इसको खोलने की जरूरत नहीं आती है। इसमें आपको मिलेगा माइको बॉश का इनलाइन पंप। इस पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने दिया है वाटर सेपरेटर, जो पंप में पानी जाने से रोकता है और पंप की लाइफ लंबी करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो डीजल का जो फिल्टर है वो एक ही आता है, क्योंकि ये एक फिल्टर 4 फिल्टर का काम अकेला करता है। इसमें जो अंदर फिल्टर जालियों वाले लगा है वो उमदा क्वालिटी का, हाई टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हो प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प, फायदा दिन हो या रात हो आप बेफिकर काम कर सकते हैं। साथ में आगे से देखोगे तो इतना भारी भरकम हमने हैवी कंपनी फिटेड वेट दिया है, करीब करीब 200 केजी का पूरा भार हमने दिया है, ताकि ये 4-व्हील ड्राइव है और जब आप इसमें बड़े उपकरण चलाओगे तो पूरी ट्रैक्टर बैलेंस करने में मददगार होगा। इसमें आपको टेंडम पंप मिलता है, पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक्स के पंप एक ही शाफ्ट से चलते हैं, और ये लाइव हाइड्रोलिक, ट्रैक्टर चालू तो हाइड्रोलिक चालू। इसमें एर्गोनॉमी या आराम की अगर बात करें तो देखिए चढ़ने उतरने के लिए 2 स्टेप दिए गए हैं, तो बहुत ही कम ट्रैक्टर आपको मिलेंगे जहां पर 2 स्टेप से ट्रैक्टर में चढ़ने की सुविधा मिलेगी। सपाट प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये सपाट प्लेटफॉर्म ड्राइवर के लिए या ऑपरेटर के लिए बहुत आरामदायक होगा। 15 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 24 घंटे में साथ में चलाओगे तो आप थकोगे नहीं। इसमें जो पेडल दिए गए हैं, क्लच पेडल और ब्रेक पेडल, ये सारे ही सस्पेंडेड पेडल है, मतलब ये नीचे से नहीं आ रहे, ये ऊपर से लटकाए गए हैं, इसको सस्पेंडेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तो ये दबाने में बहुत ही आरामदायक रहेगा। साथ में जो गियर लीवर हमने दिए गए हैं, देखिए जब ये गियर लीवर में ऑपरेट करूंगा तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी पूरी कमर सीधी रहेगी, अब मैं लंबे समय तक थकूंगा नहीं। आराम को देखते हुए डीलक्स ड्राइवर सीट की सुविधा दी गई है, साथ में वजन के हिसाब से कुशनिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे मेरे जरूरत अनुसार इसकी सेटिंग में कर सकता हूँ। इसमें आपको IPTO लीवर भी प्राप्त होता है, मतलब PTO लीवर ऑपरेट करने के लिए आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो छोटा सा लीवर आप देख रहे हो इसको PTO ऑन ऑफ लीवर बोलेंगे, जब ये आगे की तरफ करोगे तो PTO चलते हुए रुक जाएगा, और जब आप इसको पीछे की तरफ करोगे तो PTO चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसकी स्टीयरिंग व्हील भी देख लो, बहुत ही सुंदर आरामदायक 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। इसमें स्पेशली हमने इजी स्टेयर का एक नॉब भी दिया गया है, ताकि जब आप हाइड्रोलिक लीवर की काम करो तो दूसरे हाथ से आप स्टेयरिंग भी आसानी से घुमा सको। सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रैक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट लॉक, ये जो नॉब आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक, इसको घुमा के अगर आप इसे कस दोगे तो उपकरण ऊपर उठा हुआ वहीं का वहीं रह जाएगा, लीवर भी ऑपरेट करोगे हाइड्रोलिक तो उपकरण नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, मगर इसमें याद रखें ट्रांसपोर्ट लॉक में खेत में जाने के बाद इसको खोल दो ताकि आपका हाइड्रोलिक काम करना चालू कर दे। इस ट्रैक्टर के अंदर 3 लीवर वाला हाइड्रोलिक दिया गया है, जो फेंडर की तरफ वाला काला लीवर है इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर, सेकेंडरी इंप्लीमेंट उपकरण जैसे रोटोवेटर, लेवलर या सीड ड्रिल चलाने में मददगार रहेगा, और ये जो केसरी रंग का जो लीवर है इसको बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर, इसके अंदर ADDC सेंसिंग मिलेगा। इसमें उपकरण जैसे MB प्लाउ, सब सॉइलर, जो गहराई में जाके काम करने का उपकरण है और जिसको सेंसिंग की जरूरत है उनके लिए यह मददगार रहेगा। और जो तीसरा लीवर है जो पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर या पुल वॉल लीवर, इसमें आप हाइड्रोलिक प्रेशर से चलने वाले कोई भी उपकरण है वो सारे ही चला सकते हो। सुरक्षा को देखते हुए इसके अंदर स्पेशल इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक दिया है कारो जैसा। इस ट्रैक्टर के अंदर 16 स्पीड गियरबॉक्स है, आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 8 गियर, कैसे आइए दिखाते हैं। ये मेन गियर लीवर है, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और बीच में न्यूट्रल आपको मिलेगा, और इसके अंदर आप देखोगे जो रेंज सिलेक्शन लीवर है, आगे की तरफ करोगे तो आपको गति कम हो जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ करोगे
तो स्पीड बढ़ जाएगा। साथ में जैसे कि मैंने बोला ये 8 गियर हो गए, उसी प्रकार से हमने एक स्पेशल सिंक्रो शटल लीवर दिया है। आगे की तरफ करोगे तो ऑटो गियर आगे जाएंगे और पीछे की तरफ करोगे तो ऑटो गियर पीछे जाएंगे। इसका मतलब जिस गति से आगे जाएगा लगभग उसी गति से पीछे भी जाएगा। इस ट्रैक्टर में अगर टायर की बात करें तो आगे की तरफ हमने दिए हैं 8-3-20 बड़े गुड़ियों वाला टायर, फायदा। उसी प्रकार से पीछे हमने बड़े टायर 14-9-28 दिए हैं, जिसका फायदा पडलिंग या धान की खेती में ज्यादा है। इसमें हमने डबल एक्टिंग QRC कपलर दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप सिंगल में टिपिंग ट्रॉली, डबल में डोजर या लेजर लेवलर, जो भी हाइड्रोलिक से चलने वाले उपकरण चला सकते हो। बैकेंड की अगर बात करें तो इसमें हमें हैवी ड्यूटी EPI रिडक्शन दिया है, ताकि बड़ा सा बड़ा काम आप कर सको, बड़ा उपकरण या हैवी लोडेड ट्रॉली भी आसानी से चले और ज्यादा झटके झेलने की क्षमता इस ट्रैक्टर में ज्यादा है। साथ में सुरक्षा को देखते हुए इसमें तेल में डूबे ब्रेक YB ब्रेक्स हमने दिए हुए हैं। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता की बात करें तो पूरा 1500 किलो लिफ्ट कैपेसिटी इसमें हमने दिए हैं, और हाइड्रोलिक सेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर 2 अलग अलग होल दिए हैं। अगर टॉपलिंग को आपने नीचे लगाया तो ये सॉफ्ट सॉइल के लिए हो गया, ऊपर लगाया तो ये हार्ड सॉइल के लिए हो गया, और इसमें सबसे ऊपर भी एक दिया गया है, ये है ट्रांसपोर्ट के लिए। जब भी आप भारी भरकम उपकरण कहीं खेत से कर ले जा रहे हो तो ऊपर लगा दो, ताकि सेंसर आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसमें हमने पूरा ही फ्लैट बैकेंड दिया है, तो हुक के साथ बड़ी ट्रॉली, मध्यम ट्रॉली, छोटी ट्रॉली, जरूरत अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ में हैवी ड्यूटी लेवलिंग रॉड दिए हैं, एडजस्ट होने के बाद आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हैवी ड्यूटी स्टे बार भी दिया, उपकरण लगाने के बाद ये टायर को ना मारे। इसकी रेयर एक्सल आप देख सकते हो रोबस्ट है और चौकोर दिया है, ताकि मजबूती बनी रहे, हैवी लोड का काम आसानी से कर सके। कहते ही नहीं, लिख के भी हम देते हैं पूरे 5 साल की वारंटी।